प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। आज बात करेंगे बेंगलुरु की। आज एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। आप सभी जान रहे हैं कि प्यार का सप्ताह यानी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में आपको यह खबर मिले कि ब्रेकअप से नाराज बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की स्कूटी पर गुस्सा निकाला और उसे आग के हवाले कर दिया। चौंक गए ना आप? चौंकना लाजमी है। यह घटना आईटी सिटी बेंगलुरु की है। दरअसल बेंगलुरु के विद्या नारायणपुरा में एक प्रेमी युगल के बीच ब्रेकअप हो गया। इसके बाद गुस्से में आकर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की स्कूटी में आग लगा दी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस तरह का आरोप लगाया गया है लड़के के ऊपर। युवती एक कॉलेज की छात्रा है, जिसने अपने पूर्व प्रेमी पर उसकी स्कूटी को आग लगाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसकी माँ द्वारा इस रिश्ते पर आपत्ति दर्ज करने के बाद एक साल पहले उसने उस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, संबंध खत्म कर दिए थे, पर इसके बावजूद वो लड़का उसे मानसिक तौर पर परेशान कर रहा था। लड़की ने यह भी बताया कि 12 जनवरी को लड़का उसके घर आया था और उसे और उसकी माँ को जान से मारने की धमकी देकर लौट गया था। इसके बाद 2 फरवरी को लड़के ने गुस्से में आकर लड़की की स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। लड़की ने कहा कि उसने सीसीटीवी में अपने पूर्व प्रेमी संजय को उसकी स्कूटी में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाते देखा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। इससे इस बात का पता चलता है कि ब्रेकअप और भी बदसूरत हो सकता है, अगर साथ ही ब्रेकअप के बाद आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं कर रहा हो और गुस्से में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। फिलहाल वैलेंटाइन वीक में इस तरह की घटनाएं कोई प्रेमी युगल नहीं करेंगे। नमस्कार। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।